आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर दिल्ली से। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अधीन चलने वाले गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की टीचर्स की सैलरी ना मिल पाना जहां टीचर्स के परिवार के लिए जीवन यापन की समस्या का कारण बन गया है, वहीं गुरुद्वारा कमेटियां भी फंड की कमी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है। देखो सर्रा साहब के दावे मैं समझता बेबुनियाद ने। तकरीबन 44 करोड़ रुपए की एफडी छोड़ के गए और तकरीबन 44 करोड़ रुपए की एफडी छोड़ के गए और मैं कालका साहब की इस गल ते फुल चढ़ाना। चलो उन्होंने मनिया तो सही 44 करोड़ रुपया सीगा, तुसी कालका साहब लगभग 44 करोड़ कहिंदे, असी तुहानू 45 करोड़ रुपए कहिंदे आ। हुण नाल तुहानू एक पंजाबी की कहावत है उसके हिसाब नाल भी समझा दवां, या तो प्यो का नाम दस दो या तो सराद कर दो। असी तुहानू तुसी 40 कह रहे हो, असी तुहानू 45 करोड़ दे रहे हैं। तुसी इहदे विच एक जांच कमेटी बनाओ जिहदे विच दो मैंबर तुहाड़े होण, दो मैंबर साडे होण, हिसाब चैक किया जाए, हिसाब चैक करके सारा संगत के सामने रखा जाए, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तुसी 45 करोड़ कह असी तुहानू तुसी 44 करोड़ कह रहे हो, असी तुहानू 45 दे रहे हैं। अगर 45 करोड़ रुपया होया दिल्ली कमेटी के हिसाब विच जो तुसी कह रहे हो सरना साहब छड़ के गए है, तो उस दिन तो बाद सरदार परमजीत सिंह सरना जी, जसमीत सिंह पीतमपुरा दास बोलना छड़ देगा, चुप करके अपने घर बैठ जाएगा, कोई सवाल नहीं करेगा। अगर वह 45 करोड़ की रकम जो साढ़े हिसाब नाल 123 करोड़ के लगभग बढ़ती है, अगर वह 45 करोड़ तो एक रुपया भी वध हुई कि तुसी संगत दे विच आके माफ़ी मंगोगे, गुरु घर खड़े होके संगत को माफ़ी मंगोगे, अपनी मैंबरशिप तो इस्तीफा दोगे, अपने जिहड़े दिल्ली कमेटी है जनरल सकत्तर तुसी बने हुए हो उन्हें छड़ोगे। 225 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी छोड़ के गए जी, लोगों के नहीं दस रहे। 225 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी छोड़ के गए जी, लोगों के नहीं दस रहे। नाले तुसी यह गल कह रहे हो कि सरना साहब 225 करोड़ की लाइबिलिटी छड़ के गए सके, इस गल से भी एक जांच कमेटी बना दी जाए, इस गल की भी जांच हो जाए। जिस हिसाब से कह रहे हो 225 करोड़ की लाइबिलिटी छड़ के गए थे, एक कमेटी भी इसकी जांच करे। GM साहब तुहाडे कोल ने, उन्होंने कहा जाए भी दिखाया जाओ जी कि 225 करोड़ की लाइबिलिटी थी जी कहते हो असी उतारी है आके।